ये स्टोरी है एक खतरनाक झाड़ी की, जिसके अंदर अगर इंसान एक बार जाता है तो कभी भी बाहर नहीं आ पाता है। इन द टॉल ग्रास मूवी की इसी कहानी को लेकर आज हम विस्तार में आलोचना करेंगे। इस मूवी की शुरू एक ड्रोन शॉट से होती है, जहां पर एक बड़ा खेत दिखाई देता है। अगली सीन में बैकी नाम की एक प्रेग्नेंट लड़की दिखाई देती है एक गाड़ी के अंदर, और वो गाड़ी उसका भाई कैल चला रहा था। बैकी को उल्टी आती है तो कैल गाड़ी रोक देता है। उल्टी करने के बाद जब वो लोग गाड़ी स्टार्ट करने ही वाले थे, तभी बैकी को एक चीखने की आवाज सुनाई देती है, जो कि एक बच्चे का था। और फिर एक औरत की भी आवाज आती है, जो कि उस बच्चे को टॉबिन कह के बुला रही थी और चीखने के लिए मना कर रही थी। कैल उस बच्चे को बचाने के लिए उस लंबे घास वाली झाड़ी के अंदर घुस जाता है और बैकी भी उसके पीछे जाती है, पर उन लोगों को वो बच्चा वहाँ पर नहीं दिखता है। फिर बैकी और कैल दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और कुछ देर बाद उन लोगों को लगता है कि इस जगह पर कुछ गड़बड़ है। फिर बैकी बोलती है कि 3 के काउंट पर वो दोनों हाथ ऊपर करके जंप करेंगे, ताकि उन दोनों को एक दूसरे के पोजीशन के बारे में पता चले। तो वो लोग 3 के काउंट पर जंप करके देखते हैं कि वो बिल्कुल पास है, तो दोनों खुश हो जाते हैं। परंतु दूसरी बार जब फिर से वो दोनों ऐसे करते हैं, तो देखते हैं कि दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा दूर है, और इससे दोनों बहुत डर जाते हैं। तो कैल दौड़ के बैकी के पास जाने की कोशिश करता है, पर वो गिर जाता है और सामने एक मरा हुआ डॉग देखता है, जिसके गले के नेम टैग में फ्रेडी लिखा हुआ होता है। दूसरी तरफ बैकी रॉस नाम के एक आदमी से मिलती है, जो अपनी बीवी नटाली, बेटा टॉबिन और डॉग फ्रेडी को ढूंढ रहा होता है। और इस तरफ कैल टॉबिन से मिलता है, जो कि उसे बताता है कि उसके परिवार यहाँ पर कैसे खो गए थे। असल में उन लोगों को भी इस झाड़ी के अंदर से एक आदमी का वॉइस सुनाई दे रहा था, और वो लोग वो आवाज सुन के इस झाड़ी के अंदर आए थे। तो कैल टॉबिन से मदद मांगता है और टॉबिन उसे बैकी को ढूंढने में मदद करने के लिए राजी हो जाता है। इधर बैकी रॉस के पीछे चलती चलते अचानक से अलग हो जाती है और डर जाती है, और झाड़ी के अंदर से अचानक कोई आके बैकी को पकड़ लेता है। कैल टॉबिन को फॉलो करते हुए एक बड़ा सा पत्थर के सामने जाता है। उस पत्थर के ऊपर खुदाई किया हुआ डिजाइन को वो देख रहा था, तभी झाड़ी के अंदर से एक जोर से रोने की आवाज आने लगी। दूसरी एक सीन में बैकी का बॉयफ्रेंड ट्रेविस बैकी और कैल को ढूंढते हुए उस झाड़ी के पास पहुंच जाता है, जहां उसे बैकी की किताब पढ़ा हुआ दिखता है। तो ट्रेविस भी उस झाड़ी के अंदर चला जाता है, जहां उसे टॉबिन मिलता है। टॉबिन ट्रेविस को ट्रेविस के नाम से बुलाता है और बताता है कि वो दोनों पहले भी मिल चुके हैं, पर ट्रेविस को कुछ समझ नहीं आता है। फिर वहाँ ट्रेविस को बैकी की लाश मिलती है और वो रोने लगता है। फिर एक दूसरी सीन में उस झाड़ी के पास जो चर्च है, वहाँ पर टॉबिन उसके फैमिली और डॉग के साथ दिखाई देते हैं, और उस झाड़ी के अंदर से टॉबिन के नाम लेकर कोई बुला रहा होता है। तो टॉबिन उसके मम्मी को बताता है, और तभी टॉबिन के डॉग उस झाड़ी के अंदर चला जाता है, और उसके पीछे टॉबिन और टॉबिन के मम्मी पापा भी उस झाड़ी के अंदर चले जाते हैं और खो जाते हैं। वहाँ जाके टॉबिन ट्रेविस से मिलता है, और फिर से पहले सीन जैसे ही बैकी और कैल वहाँ आते हैं और टॉबिन की आवाज सुन के उस झाड़ी के अंदर चले जाते हैं। तभी ट्रेविस बैकी की आवाज सुनता है, तो उन लोगों को आवाज देता है। फिर ट्रेविस टॉबिन, बैकी और कैल से मिलता है और बताता है कि वो लोग 2 महीने से लापता है। उसके बाद वो लोग बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी उन लोगों को एक औरत कॉल करके वार्निंग देती है ट्रेविस को कैल से बचा के रखने के लिए। तो वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है। उसके बाद रॉस उन लोगों के साथ मिलता है और उन लोगों को पत्थर के सामने ले जाकर कहता है कि अगर यहाँ से निकलना है तो इस पत्थर को छूना पड़ेगा। तभी झाड़ी के अंदर से टॉबिन की मम्मी नटाली वहाँ पर आ जाती है, और नटाली रॉस को कहती है कि वो टॉबिन से दूर रहे, और बैकी को वहाँ पर देख के डर जाती है और बताती है कि वो कुछ देर पहले ही इस झाड़ी के अंदर बैकी की लाश देखी थी। तभी बैकी को एक विजन आता है, और उस विजन में वो रॉस को एक डरावना अंदाज में देखती है। इसके बाद ट्रेविस रॉस को पीछे से पकड़ लेता है, पर रॉस उल्टा ट्रेविस की शोल्डर तोड़ देता है। नटाली तब टॉबिन को वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है,
पर नटाले को रॉस पकड़ लेता है और अपने हाथों से अपनी बीवी की सर को क्रश कर देता है। उसके बाद वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और फ्रेडी उन लोगों को एक बिल्डिंग पर लेकर जाता है, पर वहाँ पर भी रॉस पहुँच जाता है। तब वो लोग छत पर चढ़ जाते हैं और दरवाजा लॉक कर देते हैं। छत के ऊपर से कैल और ट्रेविस को वो डॉग दिखाई देते हैं जो कि एक खाली पार्किंग लॉट में घूम रहा होता है। तभी फ्रेडी एक छोटा झाड़ी के पीछे गायब हो जाता है और फिर से चर्च के पास मेन रोड पे दिखता है। तो उन लोगों को लगता है कि शायद यही एक बाहर निकालने का तरीका है, और तभी ट्रेविस छत से फिसल जाता है। इस समय कैल अगर चाहता तो उसे बचा सकता था, पर उसने नहीं बचाया। और इस तरफ रॉस दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है, तो वो लोग फायर एस्केप से नीचे चले जाते हैं, पर रॉस कैल को पकड़ लेता है। और तभी कैल को उसके पास उसी का लाश दिखाई देता है और इसके बाद रॉस उसे मार देता है। और उसके बाद रॉस बैकी को पकड़ता है, पर बैकी किसी तरह से नीचे पड़ा हुआ एक कैंची लेकर रॉस के आंख पर घुसा देती है और वहां से बैकी भाग जाती है। परंतु उसे फिर से एक विजन आती है और वो सेंसलेस हो जाती है। जब वो जागती है तब खुद के फोन से खुद को ही कॉल करती है, और तभी पता चलता है कि उन लोगों के पास जो वार्निंग कॉल आया था वो खुद बैकी ने ही की थी। फिर बैकी दर्द से कतराते हुए लेट जाती है और देखती है कि उस पत्थर में उसकी लास्ट विजन ड्रॉ किया हुआ है। फिर पत्थर के नीचे की धरती फट जाती है और उसमें बहुत सारा बच्चा मदद के लिए चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर बैकी डर जाती है और सेंसलेस हो जाती है। कुछ देर बाद वो आँख खोलती है तो कैल उसे कुछ खिला रहा होता है। बैकी पूछती है कि ये क्या है, तो कैल बताता है कि ये घास है, पर बैकी देखती है उसकी बच्चा साइड में मरा पड़ा है और कैल उसे उसी के बच्चे को खिला रहा है। और फिर से जब वो कैल की तरफ देखती है तब कैल की जगह वो रॉस को देख पाती है। फिर वहाँ पर ट्रेविस आता है और रॉस के साथ लड़ने लगता है। जब दोनों लड़ रहे होते हैं तब बैकी उठ के एक पत्थर से रॉस के दाहिनी आंख पर मारती है, तो कुछ देर के लिए वो कुछ देख नहीं पाता है। और तभी ट्रेविस रॉस के सर को पत्थर में मार देता है, और उसी टाइम टॉबिन वहाँ पर आता है और अपने पापा को मरते हुए देखता है। वहाँ पर बैकी भी मर जाती है। इसके बाद ट्रेविस उस पत्थर में हाथ रखता है और उसके विजन में यहाँ से बाहर जाने का बहुत सारा रास्ता दिखाई देता है। ट्रेविस फिर टॉबिन को लेकर बाहर की तरफ जाने लगता है और टॉबिन को बैकी की नेकलेस देता है। फिर वो टॉबिन को उठाता है, और जब टॉबिन नीचे उतरता है तब देखता है कि वो मेन रोड के साइड वाले चर्च पे पहुंच चुका है। और तब टॉबिन उस चर्च से बाहर आकर देखता है कि कैल और बैकी गाड़ी से उतर रहा है, तो वो दौड़ के जाता है और उन दोनों को उस झाड़ी के अंदर जाने से रोकने की कोशिश करता है, पर वो दोनों टॉबिन के बात सुन नहीं रहे थे। तब टॉबिन बैकी को वो नेकलेस देता है जो ट्रेविस ने उसको दिया था। बैकी के पूछने पर टॉबिन बताता है कि ट्रेविस ने उसको ये नेकलेस दिया है। तभी बैकी कैल को वहाँ जाने से रोकता है। फिर बैकी कैल को बताती है गाड़ी घुमा के टॉबिन को टॉपे का पहुँचाने के लिए। ट्रेविस अभी भी उस झाड़ी के अंदर फंसा हुआ था, पर वो हंस रहा था ये सोच के कि बैकी और उसके बच्चा अभी सेफ है। फिर वो थकान और कमजोरी के कारण उस झाड़ी के अंदर लेट जाता है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। और अगर आप एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनना चाहते हैं जो कि 6 साल की उम्र में ही एक सोल्जर बन जाता है, तो राइट साइड के वीडियो पर क्लिक करें। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम रोज ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।